जिले के डोंडी लोहारा विकास खंड के अंतर्गत भुरकाभाट सूर्य गांव में संचालित नामदेव के द्वारा बालोद विकास खंड के चारवाहे में विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सदगुरु संत रामपाल महाराज जी के वचनों का पालन करते हुए दहेज न लेना न देने के साथ ही एक जोड़ी कपड़े में बहुविदा करने जैसे वचनों का पालन किया गया। मेरा नाम पीयूष दास है, मैं ग्राम सोनपुर का वासी हूँ और यहाँ मेरा रमणी कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका है। रमणी कार्यक्रम संपन्न हुआ वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य से हुआ है। बिना दहेज रहित यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है और बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम संपन्न होने में, क्योंकि हमारे गुरुजी का जो मेन उद्देश्य दहेज मुक्ति और भ्रूण हत्या इन सब के खिलाफ है ना, तो ये सब चीज़ उद्देश्य को रखते हुए ये कार्यक्रम रखा गया था और ये कार्यक्रम हमारे साथ संपन्न। आपकी शादी दहेज मुक्त हुआ है जी, आपको कैसे लग रहा है और क्या कहना चाह रहे हैं आने वाले युवाओं के लिए? आने वाले पीढ़ियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी आदर्श युवा या जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो करते हैं रमैनी, उस टाइप का रमैनी कार्यक्रम करिए और अपने जो माता पिता हैं उनको दहेज और जो कर्ज होता है उसे मुक्त पवाएँ। मैं रामन लाल साहब लड़की का पिताजी हूँ और शादी से बहुत साल पहले, क्योंकि वर्तमान में अभी जो खर्चीली शादी है क्योंकि छोटे वर्ग के लिए बहुत परेशानी जाती है, इस कारण यह बहुत अच्छा है। मैं मोतीलाल साहू हूँ, मेरा गांव है पैरी, जिला बालो का रहने वाला हूँ मैं। सर ये शादी के बारे में बताइए, जो आदर्श शादी अभी हुआ। आज मिस्टर कोई पीयूष और खेमलता की शादी, रमैनी कहते हैं, बहुत संपन्न हुआ और मैं बिल्कुल सामने बैठा था। तो एक चीज़ अच्छा लगा कि आजकल शादियों में जो आडंबर होते हैं, बहुत प्रकार के आडंबर होते हैं, बहुत खर्चीली शादियाँ होती हैं और वो यहाँ पर देखने के लिए मिली और अच्छा लगा। यहाँ पर इस विवाह मंडप में बहुत सारे लोग एकत्रित थे, इसमें अधिकांश रामपाल जी गुरुदेव के शिष्य उपस्थित थे और उनका यह मुहिम जो दहेज प्रथा जो है उसके साथ साथ व्यसन मुक्त समाज बने इस ओर प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। समस्त शिष्यों को जो मैं धन्यवाद देता हूँ। TCP 24 न्यूज़ के लिए बालोद से खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट।